तो ये हमारा पीसीबी, हमने आयरन से प्रेस करके बनाया है। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और अभी हम इस पीसीबी में कंपोनेंट्स माउंटिंग करेंगे। सिंगल साइडेड पीसीबी में पहले लगेंगे 8 पीस जम्पर, 5 पीस रेजिस्टेंस से 22 के क्वार्टर वाट में, यहाँ पर जितनी भी सारे रेजिस्टेंस है सारे क्वार्टर वाट में लगेंगे। दो पीस रेजिस्टेंस से 680 ओम, 2 पीस रेजिस्टेंस से 2.2 ओम, 2 पीस रेजिस्टेंस से 100 के, 2 पीस रेजिस्टेंस से 200 के, 1 पीस रेजिस्टेंस से 150 के, 2 पीस रेजिस्टेंस से 2.2 के, 1 पीस रेजिस्टेंस से 1 के, 1 पीस कैपेसिटर है 102 PF, 1 पीस कैपेसिटर है 470 PF जिस पर ये 471 लिखा रहता है, 1 पीस कैपेसिटर है 330 PF, 1 पीस कैपेसिटर है 473 PF, 2 पीस कैपेसिटर है 474 PF, 5 पीस कैपेसिटर है 100 NF यानी 104 PF, 2 पीस कैपेसिटर है 2.2 AF 63 वोल्ट में, 2 पीस कैपेसिटर है 22 UF, 1 पीस कैपेसिटर है 1 UF, 1 पीस कैपेसिटर है 4.7 UF, 1 पीस IC बेस है 8 पिन का, 1 पीस प्लस वोल्टेज रेगुलेटर IC है 7815, और 1 पीस माइनस वोल्टेज रेगुलेटर IC है 7915, 4 पीस डायोड है 1N408। एक पीस LED है 3 mm का, 2 पीस कैपेसिटर है 47 CF, यहाँ पर ये दो कैपेसिटर 25 वोल्ट में नहीं लगेंगे, यहाँ पर हमने इसको गलती से लगा दिया था, यहाँ पर हमें 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है जो कि हम बाद में चेंज कर लेंगे। 2 पीस सिंगल डाइन पोटेंशियोमीटर है 47K का, 2 पीस IC है TDA 2050, आप चाहते हैं आप TDA 2030 IC भी लगा सकते हैं। 2 दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने इन दो 47 AF के कैपेसिटर को 35 वोल्ट में कर दिया है और 25 वोल्ट के कैपेसिटर को हमने यहाँ पर खोल लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम 8018 के ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हैं, और अगर आप 12012 के ट्रांसफार्मर यूज करने वाले हैं तो आप इसको 25 वोल्ट में रहने दे सकते हैं।
तो ये हमारे हीट सिंक के ऊपर निशान लगा के होल कर लेते हैं। तो दोस्तों इन दो आईसी के पीछे मैंने कोई भी माइका नहीं लगाया है। अगर आप इस बोर्ड को किसी भी मेटल के कैबिनेट के अंदर लगाने वाले हैं तो आप इसके पीछे माइका जरूर लगाएं, क्योंकि आईसी की हीटसिंक वाले पोर्शन से नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। इस बोर्ड की लो पास फिल्टर के लिए हम यहाँ पर 3558 डी आई सी यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर नीचे दी हुई लिस्ट में से कोई से भी ओपन आई सी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इन दो पोटेंशियोमीटर के ऊपर इन पोटेंशियोमीटर के नॉक को लगा लेते हैं। तो इस ऑडियो इनपुट के सॉकेट में हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये बोर्ड मोनो पे चल रहा है और अभी हम इसको ऑडियो इनपुट में कनेक्ट कर लेंगे। आउटपुट में हम यहाँ पर स्पीकर कनेक्टर सॉकेट लगाएंगे। यहाँ पर आउटपुट में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि दोनों आईसी ब्रिज मोड पे चल रहा है। और अभी हम इन वायर को यहाँ पर पावर के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारे पास पीसीबी स्टैंड नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रू नट और स्पेसर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पर 1818 4 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। वैसे 1818 में 2 एम्पीयर में भी चल जाएगा, और आप चाहें तो यहाँ पर 1212 के ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इस वायर को इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये जो बोर्ड है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन एकदम ऑल पर दबाना मत भूलिएगा। और अभी आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं नए नए प्रोजेक्ट्स की पिक्चर अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।